सर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको मैं आज तक यूज करता आया हूँ, कर रहा हूँ और शायद करता रहूंगा। सो आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने अभी रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किए हैं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। सो अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है स्किन केयर के बारे में कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए अच्छे होंगे, तो आप आंख बंद करके ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट आज की वीडियो का जो कि मैंने अभी रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है, ये जो प्रोडक्ट है ये एक फेस वॉश है। एंड फेस वॉश आप सभी जानते हो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं हमेशा से सेस्लिक फोमिंग फेस वॉश जो है यूज करता आया हूँ, लेकिन मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता था। एंड जो फेस वॉश मेरी स्किन के ऊपर सूट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, वो ये है मैन मैटर्स का क्लीन ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है इसके रिजल्ट्स मुझे एक्ने पिंपल्स के मामले में बिल्कुल सेस्लिक के जैसे ही लगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी खासियत ये है कि इसकी जो क्वांटिटी है ये ऑलमोस्ट डबल आती है सेस्लिक से, एंड जो प्राइसिंग है वो भी आसपास है। सो अगर आपका बजट कम है तो आप सेस्लिक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है फोमिंग फेस वॉश है, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो जल्दी से मुझे कोई सूट नहीं करता। सो अगर आपकी भी स्किन ऐसी है आप जा सकते हैं, ड्राई स्किन है तो भी जा सकते हैं, कोई ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करता है, एंड ऑयली स्किन है तो भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये ऑयल को अच्छे से ठीक ठाक रिमूव कर देता है, ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ज़्यादा नहीं करता है, सेस्ली की कंपैरिजन में इतना ज़्यादा नहीं रिमूव करता, लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और ड्राई है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फेस वॉश रहेगा आपके लिए, क्योंकि मेरा जो स्किन टाइप है वो काइंड ऑफ नॉर्मल या कॉम्बिनेशन का बीच में आप बोल सकते हो। सो अगर आपका भी ऐसा ही तो आप इसके साथ में जा सकते हो, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया आप कौन सा सीरम इस्तेमाल करते हो, तो अभी मैं रिसेंटली यूज़ कर रहा हूँ मार्स बाय GHC का एंटी एजिंग सीरम, तो इसको मैं रात में यूज़ कर रहा हूँ। इनिशियली इसको यूज़ करने के बाद में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड हो गई थी। जैसे आप कोई रेटिनॉल का सीरम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही जो है अलग तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि ये आपकी स्किन की जो सेल जनरेशन रेट है उसको बढ़ा देता है, तो थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन या रेडनेस आपको फील हो सकती है स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा एंड आपको किसी भी तरह का ब्रेकआउट नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ रेटिनॉल नहीं है, इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर आर्जिनाइन है, इसके अंदर नियासिनामाइड है, इसके अंदर आपको जो है रेटिनॉल 1% देखने को मिलता है। सो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके डार्क स्पॉट्स के साथ साथ आपकी स्किन को जो एजिंग के साइंस है उनसे बचाएगा और साथ साथ आपकी स्किन पे एक ग्लोइश लुक जो है ऐड करेगा। सो अगर आप सीरम देख रहे हैं तो इसके साथ जा सकते हैं। मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ मिनिमलिस्ट का अल्फा आर्बिटिन डार्क स्पॉट्स के लिए, तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था मेरी स्किन पे। तो उसके बाद अगर मैं जो स्विच किया सीरम पे वो ये है, एंड ये भी मेरे लिए काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। सो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मिनिमलिस्ट ट्राई कर चुके हैं और आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप इसके साथ में आँख बंद करके जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के तीसरे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम सभी जानते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड प्लम ब्रांड की तरफ से आने वाला ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करते हो, तो यार वैसे तो मुझे कोई जल्दी से सूट नहीं करता, एक एक्ने मॉइस्ट है जो कि मेडिकेटेड कैटेगरी में आप बोल सकते हो वो काफ़ी सही सूट कर जाता है, लेकिन अगर आप ब्रांड्स वाले मॉइस्चराइजर की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे से सूट कर रहा है अभी तो। सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं मेडिकेटेड प्रोडक्ट के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप प्लम वाले इस मॉइस्चराइजर के साथ में जा सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब एक सप्लीमेंट जिसे लास्ट 2 साल से मैं कंज्यूम कर रहा हूँ एंड मैंने कभी भी कोई गैप नहीं दिया है, वो है वाओ का ओमेगा 3 सप्लीमेंट। सभी को लेना चाहिए भले आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है नहीं है, बिकॉज ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। आप जानते हैं कितने ज़्यादा टीनेजर्स हैं जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे जो 30s में जो लोग हैं वो हार्ट अटैक से उनकी जो है डेथ हो रही है, तो ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ ही आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए अच्छा, अगर आप जिम या वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छा है, और साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो अगर आपको कोई मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता और आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहते हो इसके साथ आप जा सकते हो। लेने का बेस्ट तरीका है रात में खाना खाने के बाद आप एक कैप्सूल ले सकते हो पानी के साथ में, दैट्स इट। अगर आप दो लेना चाहते हैं आप दो भी ले सकते हैं, बिकॉज इसकी आप 3 कैप्सूल्स ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका डेली का जो रूटीन है वो किस तरह से। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वर्कआउट करते हैं तो आप 2 से 3 ग्राम ले सकते हैं, इसका 1 कैप्सूल के अंदर 1 ग्राम है, तो आप 2 से 3 कैप्सूल्स ईजिली ले सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई रूटीन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आप घर में रहते हो, 1 कैप्सूल मोर देन सफिशेंट है।
तो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूज कर रहा हूँ और काफी टाइम से करता आया हूँ और आगे भी जो है कंटिन्यू करूंगा। सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिए इन प्रोडक्ट्स को, ट्राई करके देखिए, एंड जो भी आपका फीडबैक रहता है आप मुझे जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझसे शेयर कर सकते हैं, एंड आप क्या वीडियोज मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। इफ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन प्लीज हिट द लाइक बटन, लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ है।